सदियों से चली आ रही कथा सुनने और समझने वालों के लिए आस्था का पर्याय है, लेकिन आस्था की इस डोर को थाम कर रखने वाला इसका रहस्य है, जो ना तो आज तक कोई जान पाया है। और ये रात जिसने भी जाना है वो इसकी हकीकत दूसरों को बताने के लिए जिंदा नहीं रहा। हम बात कर रहे हैं वृंदावन के निधिवन की, जहाँ से जुड़ी है लाखों भक्तों की श्रद्धा। जिन्हें यहाँ के बारे में जानकारी नहीं है, वो नहीं जानते हैं कि क्यों यहाँ एक खास रात में जाने के लिए मना किया जाता है। वो कौन सा रहस्य है जिसकी वजह से ये जगह एक रहस्य बन चुकी है? आखिर ऐसा क्या है उस रात में जिसे देखना मना है? आज इंसान जमीन पर बैठे बैठे पूरा ब्रह्मांड देख सकता है, मगर जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं, वहाँ कोई भी इंसान वो खास रात चाक कर भी नहीं देख सकता, क्योंकि यहाँ कौन कब क्या देख सकता है यह इंसान नहीं भगवान तय करते हैं। और इसीलिए इस इलाके में जाने वाले रात तो रात, दिन के उजाले में भी अपने कदम फूंक फूंक कर रखते हैं। इंसानी जहन या इंसानी यकीन को तो डगमगाया जा सकता है, उसे मजबूर भी किया जा सकता है किसी दास्तान पर यकीन करने के लिए, मगर जानवरों पर किसी का बस नहीं चलता। वो वही करते हैं जो उन्हें करना होता है। फिर आखिर क्या वजह है कि इस इलाके के तमाम जानवर भी शाम होते होते अपना ठिकाना बदल लेते हैं? निधिवन में मौजूद पंडित और महंत बताते हैं कि निधिवन वो जगह है जहाँ कृष्ण भगवान रासलीला करते थे, और आज भी वे रासलीला के लिए आते हैं। पौराणिक मान्यता है कि निधिवन बंद होने के बाद भी यदि कोई छिपकर रासलीला देखने की कोशिश करता है तो वह इंसान पागल हो जाता है। मंदिर के महंत और आसपास के लोग इससे जुड़ी कई किस्से और कहानियां सुनाते हैं। दावा ये भी किया जाता है कि वहां मौजूद पशु पक्षी भी शाम होते ही वन छोड़ देते हैं। निधिवन में मौजूद पेड़ भी अपनी तरह से बेहद खास है। जहां आमतौर पर पेड़ों की शाखाएं ऊपर की ओर बढ़ती हैं, वहीं निधिवन पर मौजूद पेड़ों की शाखाएं नीचे की ओर बढ़ती हैं। इन पेड़ों की स्थिति ऐसी है कि उनकी शाखाओं को डंडों के सहारे फैलने से रोका गया है। आसपास मौजूद लोगों का कहना है कि रात के वक्त यहां पर पायलों की आवाज सुनाई देती है। ऐसा लगता है मानो कोई नृत्य कर रहा हो।